हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और एटमॉस्फेयर आखिर होता क्या, हम इस चीज पे भी बात करेंगे। सो अगेन वेलकम बैक टू हिरॉन्स क्लासेस, आई एम योर फिजिक्स टीचर, लेट्स लर्न विद मी। सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको दो वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, एटमॉस्फेरिक और दूसरा प्रेशर। तो जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के कारण एग्जर्ट होती है हम उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। पहले एटमॉस्फेयर को अच्छे तरीके से समझ लो कि जो एटमॉस्फेयर होती है वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक जो घेरा आप देख रहे हो जो कि ग्रेविटी के कारण है उसे ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर फिल होती है एयर से, हवाओं से भरी होती है, हम इसे हवाओं का घेरा भी कह सकते हैं। और हवा की बात आ रही है तो हवा के मतलब समझ लो, हवा मिक्सचर ऑफ गैसेस को कहते हैं, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब ये गैसेस कई तरह के हो सकते हैं, ऑक्सीजन गैस हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वाटर वेपर हो सकती है, और भी कई तरह के गैसेस इसमें हो सकते हैं। गैसेस के बारे में हम जानते हैं कि ये सॉलिड और लिक्विड की तरह ही ये भी एक स्टेट है और इनमें भी पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मास होता है। अब जहां मास होगा आप समझ लो कि उसका कुछ ना कुछ वजन होगा। इस मार्कर का कुछ मास है तो इसका कुछ वजन भी बनेगा। वजन कहने का मतलब इट कैन अप्लाई सम फोर्स। जहां मास होती है वहां पे फोर्स भी हो सकता है। जैसे मास टाइम्स एक्सेलरेशन क्या बनता है? फोर्स बनता है। और जहां पे फोर्स होगा और अगर वो किसी एरिया पे लग रही है, फोर्स किसी एरिया पे लग रही है, तो वो क्या क्रिएट कर सकती है? प्रेशर क्रिएट कर सकती है, कर सकती है प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स फोर्स बाय एरिया। तो एक चीज तो प्रूव होती है यहाँ पे कि जो गैसेज हैं वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, वो लायक होते हैं इसके। अब ये गैसेज जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं हमें इनके बारे में देखना है कि कैसे एग्जर्ट करती हैं। बिना फ्लो करे तो ये नहीं कर पाएंगी, तो हमने गैसेस के बारे में जाना है कि ये फ्लो करती हैं। तो अगर लिक्विड फ्लो करती है और उसे फ्लूइड कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है लिक्विड को, तो उसी तरह से गैसेस को भी हम क्या कह सकते हैं? हम गैसेस को भी फ्लूइड कह सकते हैं। गैसेज आर ऑल्सो फ्लूइड बिकॉज इट कैन फ्लो। अब हवाओं को हम चलते हुए देख तो नहीं सकते हैं, वी कैनॉट सी देम राइट, बट वी कैन फील देम। जैसे कि ये तार का पेड़ अगर झूल रहा हो तो ये क्यों हो रहा है? हवाओं के कारण हो रहा है। यहाँ पे आप एक विंडमिल को मूव करते हुए देखते हो तो आप कैसे कह सकते हो? कोई घुमा तो नहीं रहा है इसे, ये हवाओं के कारण हो रहा है। तो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, चीज़ों को देख के परख के ऐसा महसूस कर पाते हैं कि हवाएँ मूव करती हैं, और हवाएँ अगर मूव करती हैं तो ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। ये कितना प्रेशर एग्जर्ट कर सकती है ये एक क्वेश्चन होता है, हाउ मच इट कैन एग्जर्ट, हमारा एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है। चलिए इस चीज को जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अर्थ है और इसके चारों तरफ जो आप घेरा बनाए हुए हो वो एटमॉस्फेयर है, और इसकी थिकनेस कितनी है एटमॉस्फेयर की? 500 किलोमीटर, विच इज़ वेरी ह्यूज। इसमें तो काफ़ी हवाएं आ जाएंगी और उन हवाओं का मास ज़्यादा होगा, और अगर मास ज़्यादा होता है तो हम कह सकते हैं उनका वजन ज़्यादा, मीन्स दे कैन अप्लाई ग्रेटर फोर्स, वो ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे। ज़्यादा फोर्स कहने का मतलब ज़्यादा प्रेशर। तो एक आइडिया तो यहाँ से बन चुका है कि एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाने वाली है, पर कितना ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, सी लेवल। हम सी लेवल को क्यों रेफरेंस पॉइंट लेते हैं? कहीं से तो मेजर करना है ना, तो मैं लैंड को क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये जो है इसमें काफी वेरिएशन होता है, कोई जो जमीन होती है वो ऊंची होती है तो कोई नीची होती है, तो ये वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, सी लेवल लूंगा क्योंकि इसकी वेरिएशन नहीं है उतनी। अगर ये राइज होगी तो पूरे अर्थ के सी लेवल में एक राइज आएगा, अगर ये ड्रॉप करेगी तो पूरे अर्थ के सी लेवल में ड्रॉप आएगा, ये वेरी नहीं करती है। तो मैं सी लेवल ले चुका हूं। अब सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेयर कितना ऊंचा है? 500 किलोमीटर, विच इज वेरी ह्यूज। अगेन मैं कैसे कैलकुलेट करूं? तो एक ऑब्जेक्ट तो जरूरी है लेना, तो मैं एक टेबल ले लेता हूं। ये टेबल आप देख रहे हो, ओके? अब इस टेबल का डायमेंशन मैं अपने अनुसार फिक्स रखूंगा। इसकी जो लेंथ होने वाली है, इस टेबल की लेंथ, ये आप देख लो, ये लेंथ होगी 1 मीटर, और जो इसकी ब्रेथ होगी, चौड़ाई जिसको हम कहेंगे, वो भी होगी 1 मीटर। लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर। तो बताओ एरिया कितना हुआ इसका? इसका एरिया कितना हुआ? एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर, एंड इट इज गोइंग टू बी 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब इस पे जो फोर्स लगेगा हवाओं के द्वारा वो कुछ इतना लगेगा, हवाओं के द्वारा कहने का मतलब एटमॉस्फेयर के द्वारा, वो लगेगा 101325 न्यूटन, विच इज अगेन वेरी ह्यूज नंबर। इतना ज़्यादा न्यूटन, समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा हो गया? ये 1,00,325 न्यूटन हो गया, ये इतना ज़्यादा। तो मैं प्रेशर कैलकुलेट करता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला होता है
फोर्स बाय एरिया, फोर्स कितना लग रहा है 101325, और एरिया कितना है 1, राइट। तो प्रेशर कितना हो जाएगा 101325, और यूनिट क्या होती है प्रेशर की, पास्कल। इतना ज्यादा हो जाएगा ये, इसको आप किलो पास्कल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। करना क्या होगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा किलो पास्कल में, 101.3 किलो पास्कल। इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर इसको एवरेज हम देखें तो एवरेज हम क्या बोल सकते हैं, हम एवरेज बोल सकते हैं कि ये इतना है, एवरेज मैं बोल रहा हूं, इतना पास्कल है ये। क्या कह सकते हो इसको, 1 लाख पास्कल कह सकते हो। और इसको अगर किलो पास्कल में देखें तो ये क्या कह सकते हो, 100 किलो पास्कल ये कह सकते हो। इस 100 किलो पास्कल को हम एक और वैल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं 1 bar। इस ये जो बार है ये भी एटमॉस्फेयर प्रेशर की ही यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही यूनिट है। तो 1 bar बराबर क्या हो गया, 1 bar बराबर हो जाता है 100 किलो पास्कल, या फिर आप 1 bar बराबर इतना पास्कल भी कह सकते हो। तो जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो इस पे प्रेशर लग रहा होगा अभी, वो 100 किलो पास्कल या फिर 1 bar कह लो, 1 bar लग रहा होगा। ये तो काफी ज्यादा है, इस टेबल को टूट जानी चाहिए, इतना प्रेशर तो इससे बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए। ये कैसे बर्दाश्त कर पा रहा है, क्योंकि जो हवाएं होती है वो हर डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है। हमने लिक्विड में देखा था कि लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करती थी, क्योंकि वो फ्लूइड है। उसी तरह से हवा भी हर तरफ इधर से और इधर से भी प्रेशर एग्जर्ट करेगी, और हर डायरेक्शन में ये इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो मान के चलो कि यहाँ अगर 1 kilopascal लग रहा है या फिर 1 pascal लग रहा है, तो इधर से भी कितना लगेगा, 1 pascal लगेगा। अगर ऊपर से 1 bar लग रहा है तो नीचे से भी कितना लगेगा, 1 bar लगेगा। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड सेम अमाउंट ऑफ अगर प्रेशर लग रही होती है तो ये कैंसिल हो जाती है, राइट। अगर आप कोई धागे को इधर खींचो और वो उस धागे को उधर खींचे और दोनों बराबर ताकत लगाए, तो धागा या तो टूट जाएगा और नहीं तो आप दोनों उसी स्थिति में रह जाओगे, वो धागा ना इधर मूव करेगा ना वो उधर मूव करेगा, तो ये कैंसिल हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस टेबल पे इतना प्रेशर लग रहा है। अब प्रेशर किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, क्या प्रेशर कभी घट सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं, या कभी बढ़ सकता है, इसको भी देख लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर को हमने कुछ लेयर्स में बांट दिया गया है, अगेन ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखिए, जो ट्रोपोस्फेयर है वो पहली लेयर होती है, और ये 0 से 10 किलोमीटर के आसपास होगी। स्ट्रेटोस्फेयर 10 से 30 किलोमीटर के आसपास होगी। मेसोस्फेयर 30 से 50, थर्मोस्फेयर 50 से 400, और एग्जोस्फेयर 400 से 500। ये जो डेटा है ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है, पर ये रैंडमली एवरेज इतना लिया जाता है। और ऊपर में क्या है, आउटर स्पेस, मतलब कि हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे खत्म होते चला जाता है। अब यहाँ पे देखो, मैंने लेयर्स में इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि आप समझ पाओ कि कहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा, कहाँ पे कम। तो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, उसी टेबल को जिस पे हमने देखा कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही थी, उसी टेबल को यहाँ पे रखते हैं, एक हम यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे, ओके, और उसी टेबल को एक बार हम यहाँ पे रखेंगे। अब इस पोजीशन को ए बोल दो और इस पोजीशन को बी बोल दो, टेबल तो वही है, तो क्या सेम रहने वाली है, एरिया सेम रहने वाली है, ये सेम रहेगा। वेरी क्या कर सकता है, हवाओं के द्वारा लगने वाला फोर्स। अब यहाँ पे देखो, एट पॉइंट ए यहाँ पे जो फोर्स लगेगा हवाओं के द्वारा, सोचो ये ऑल द वे फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ पे इतने सारे हवाओं का, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर ये लेवल देख लो, इसके ऊपर जो हवाएं हैं इनका वजन ज्यादा होगा, राइट, एज कंपेयर टू बी। अब यहां पे देखो, इसके ऊपर जो हवाएं होंगी उसका वजन कम होगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये कम फोर्स लगाएंगी, और यहां पे जो पॉइंट पे है यहां पे ज्यादा फोर्स देखने को मिलेगा। तो मैं क्या कहूं, एट पॉइंट ए ठीक है, एट पॉइंट ए जो आपका फोर्स है वो ज्यादा लगने वाला है, और एरिया तो वही है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, राइट। अब यहां पे बी पॉइंट पे देखो, एट पॉइंट बी जो आपका फोर्स है वो कम लगने वाला है, फोर्स कम लगने वाला है, पर एरिया तो वही होगा, तो यहां पे अगर फोर्स कम है तो प्रेशर कम होगा,
राइट, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि अगर आप हाइट पे जाओगे, जितनी ऊंचाई पे आप बढ़ते चल जाओगे, एल्टीट्यूड अगर आपकी ज्यादा होगी तो आपका प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा। ए पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर है तो मैं यहाँ पे अगर कोई और पॉइंट ले आऊं, सी पॉइंट ले आऊं, तो सी पॉइंट पे ए पॉइंट से कम प्रेशर होगा, और सी पॉइंट से भी कम प्रेशर कहाँ पे होगा, बी पॉइंट पे। अगर डी पॉइंट पे आ जाते हैं तो डी पे और कम प्रेशर होगा। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे, जैसे जैसे आपकी एल्टीट्यूड बढ़ेगी, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होने वाला है, घटने वाला है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, उल्टा है रिलेशनशिप, हाइट बढ़ी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटी। व्हाई? बिकॉज एट हायर प्लेसेस जो फोर्स होगी एटमॉस्फेयर के द्वारा वो कम लगेगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखो कि हम अगर ऊंचे पहाड़ पे चढ़ते हैं, एक ये लैंड पीस है और ये माउंटेन रेंज है, यहाँ पे अगर हम चढ़ते हैं तो हमारी जो ब्लड होती है वो नाक से बहने लगती है। ऐसा क्यों होता है, माउंटेनियर्स के साथ ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एटमॉस्फेयर के द्वारा वो ग्रेटर लगेगा, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि यहाँ पे हाइट ज्यादा है। हाइट देखो, हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ेगी तो फोर्स घटेगी, और फोर्स घटेगी तो प्रेशर घटेगा, पर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा था। अगर प्रेशर कम होगा तो जो ब्लड प्रेशर है हमारा वो तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में ज्यादा हो जाएगा, और हमारा ब्लड हाई प्रेशर के कारण हमारे नोज से बहने लगेगी। तो हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ बनाए रखें। चलिए फिर मिलेंगे हम इसी कुछ वीडियोस के साथ। हमारी प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं, 8th फिजिक्स की प्लेलिस्ट, उसे विजिट करें। और आज के लिए धन्यवाद।